सर मेरे लिए वीडियो बना दीजिए। पेशा भारत को आजादी दिलवाना, ना कोई अस्त्र ना कोई शस्त्र, फिर भी भारत को आजादी दिलवा दिया और इस आंदोलन में पूरे भारतवर्ष ने भी आपका साथ दिया। दिन अंग्रेजों ने हमारा नमक खाया, आज वही अंग्रेज हमारे ऊपर नमक कर कानून लगा रहे हैं। हम पर नमक कर कानून लगाकर अंग्रेजों ने प्रकृति से छेड़छाड़ की है, इससे प्रकृति का विनाश हो जाएगा। हम दांडी तक मार्च निकालेंगे और वहां जाकर अपना नमक खुद बनाएंगे। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी तक मार्च निकाला। 400 किलोमीटर गांधी चले थे लेकिन पसीने अंग्रेजों के छूट गए। हम सब भारतवासी एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। हमारे देश का नमक हमारे शरीर की नसों में खून बनकर दौड़ रहा है और जो हमें इससे अलग करेगा हम उसका नाम निशान निकालेंगे। हम संख्या में करोड़ों में हैं लेकिन हमारी आवाज एक है। बात सन 1942 की है जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। फिर एक प्रस्ताव गांधी जी व उनके साथियों के पास आया। गांधी जी, हम चाहते हैं कि जापान को जिताने में आप हमारी मदद कीजिए। हम भारतवासी आपका दूसरे विश्व युद्ध में कोई सहायता नहीं कर पाएंगे, अब आप जा सकते हैं। युद्ध के कारण स्थिति असहनीय होती जा रही थी। भारतवासियों में आजादी को लेकर उमंग, अब इन्हें भारत छोड़कर जाना ही पड़ेगा। मैं मंत्रिमंडल किसी से समझौता करने नहीं जा रहा हूँ। एक मंत्र है जो मैं आप सबको देना चाहता हूँ, करो या मरो। और हमारा नारा होगा अंग्रेजों भारत छोड़ो। इस आंदोलन से गांधी जी और उनके सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। Yeah.